पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में भृगु ऋषि ने लात मारी, भगवान ने हाथ जोड़े। इसका प्रमाण हर घर में, हमारे प्रत्येक भारतवासी के घर में गोपाल लड्डू गोपाल होते, वस्त्र पहनाते समय उनको देखना गोपाल जी के। ये कथा पुरुषोत्तम महीने में है। पुरुषोत्तम का जो महीना है, अधिक का ये जो महीना है, हर 32 महीने के बाद यानी तीसरे वर्ष आता है, अनंत गुना उसको कर देते। कहां विष्णु को भट गयो, पर जो भृगु मारी था, भृगु ऋषि आए और उन्होंने आकर के कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर सभी देवताओं में भगवान पुरुषोत्तम यानी विष्णु श्रेष्ठ है। उन भगवान से जब लगन लग जाए तो अपनी लगन को घटने मत देना, अपनी लगन को कम होने मत देना, और यही प्रार्थना करना, हे हरि, मेरी तुमसे जो लगन लगी है ये घट ना जाए। लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा जैसी लगन तो हम नहीं लगा सकते, पर गोविंद प्रयास हमारा यही है कि मीरा जैसी लगन हमको लग जाए। तो भगवान से प्रार्थना करना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ओ प्याज पे प्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, तो प्यारे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ला
से तोड़ना। पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम को भी परीक्षा में पास होना पड़ा, तब हम भगवान को पूजते। भगवान की पूजा में जीवन का सबसे बड़ा सार है। भृगु ऋषि ने आके बतलाया कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। जीवन में परीक्षा होना अति आवश्यक। एक राजा ने एक मंदिर बनाया भगवान लक्ष्मी नारायण का, उसमें पुजारी जी को नियुक्त किया गया, आप सेवा करिए, पूजा करिए, जो धन खर्च आपको चाहिए आप लीजिए। पुजारी जी सेवा करने लगे। आज राजा के मन में विचार उठा कि भाई जो पुजारी जी हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, वो सेवा पूजा ढंग से कर रहे हैं या नहीं। राजा ने अपना एक व्यापारी का वेश बनाया और मंदिर में पहुंचा। मंदिर के पट बंद होने का समय हो गया। दर्शन पर व्यापारी ने पुजारी जी से कहा, बोले पुजारी जी मैं भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने आया हूं, ध्यान से समझना, मुझे दर्शन कराओ। पुजारी जी ने कहा कि भाई देखो पट बंद हो गए, दोबारा दर्शन नहीं खुलते हैं, चाहे कोई भी आए, पट अब नहीं खुलेंगे, शाम को अपने समय पर खुलेंगे। अब उस व्यापारी ने क्या किया, बोल नहीं खुलेंगे, बोले नहीं, बोल किसी कीमत पर नहीं खुलेंगे, आप चले जाइए। व्यापारी ने अपने थैले में से 100 स्वर्ण मुद्रा निकाली, सोने की स्वर्ण मुद्रा निकाल के पुजारी जी को दी। पुजारी जी मुझे ये चलानी है। अरे वाह, तुमने जब से क्यों नहीं कहा ये चढ़ानी है, तो बोले चलो चलो। तो पिछले दरवाजे से पुजारी जी ले गए, ले जाके अंदर श्री विग्रह यानी लक्ष्मी नारायण का दर्शन कराया। 100 स्वर्ण मुद्रा उसने भगवान के चरणों में चढ़ा दी, दर्शन करके चला गया। अब देखना, राजा ने चतुराई दिखाई, राजा ने पुजारी जी को बुलाया कि पुजारी जी सब व्यवस्था ठीक चल रही है, बोले हाँ जी, नियम पालन हो रहा है, बोले हाँ जी। तब बोले एक बात बताओ भाई, यदि कोई आ जाए दर्शन करने कहीं दूर से, बोलते कि भाई हम तो बड़ी दूर से आए, तो क्या दर्शन खुलते हैं कि नहीं। अरे महाराज बिल्कुल नहीं, कोई कहीं से आए, और बोलो कोई बहुत दूर से आए तो, अरे महाराज फिर भी नहीं। राजा बोले अगर कोई 100 सोने की मुद्रा चढ़ाए तो। पुजारी जी को बता दी, अगर कोई 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा चढ़ाए तब भी नहीं। अब पुजारी जी धीरे धीरे समझ गए, समझ गए। अब हाथ जोड़ के बोले, बोले राजन एक बात है। बोले क्या? कोई दूर से आए दर्शन तब भी नहीं खुलते, कोई कुछ भी कहे तब भी दर्शन नहीं खुलते, पर एक बात आप ही बताइए, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। बोले क्या? मंदिर किसका है? लक्ष्मी नारायण का। जब स्वयं लक्ष्मी कहे आके कि मैं अपने पति नारायण को दर्शन करने आई हूं, तो बताइए स्वयं जब लक्ष्मी मैया कह रही है तो नारायण को खुलना चाहिए कि नहीं। मंत्र तो लक्ष्मी नारायण का है, स्वयं लक्ष्मी मैया आज्ञा दे रही है, तो फिर तो खुलना पड़ेगा। राजा ने कहा वाह पुजारी जी वाह, धन्यवाद, ठीक बात कही आपने। राजा इस उसमें था कि मैं पुजारी जी की कमी निकालूं, कि आपने लोभ में आके लालच में आके मंदिर खोला। पुजारी जी बोले
राजन हमने मंदिर का दर्शन ना लोभ में खोला ना लालच में खोला, खोला तो केवल और केवल जिसका मंदिर जिसका जो मालिक उस मैया लक्ष्मी को खोला। कहने का भाव, जीवन में परीक्षा होती है, कष्ट आए दुख आए जीवन में घबराना नहीं, मेहनत करके दुख को सहन करके भगवान का नाम का जाप करके आप केवल और केवल ये कोशिश करना कि कैसे भी हम गोविंद की परीक्षा में पास हो जाएं। और केवल पास ही नहीं, पास भी हो तो ऐसे हो फर्स्ट नंबर से, प्रथम श्रेणी से। एक पूजा है पंचोपचार, केवल आप स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान के आगे बैठ जाइए, उनको स्नान कराइए, केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाइए, हो सके तो पुष्प चढ़ाइए, बन सके तो माला बना के पुरुषोत्तम भगवान को गले में कमल की हो तो कहना ही क्या है धारण कराइए। आरती उतारिए, दीपक जला के भगवान के विग्रह का दर्शन करिए। भगवान की आरती करने का भी एक नियम है, सब नहीं जानते हैं, आप लोग सीख लेना। भगवान की जब हम आरती उतारते हैं ना, पुरुषोत्तम का महीना हो चाहे कार्तिक महीना हो, माघ महीना, बैसाख, कोई भी हो, हमने जोत जलाई, ध्यान से सीखना। भगवान के जो विग्रह यानी प्रतिमा, उनका जो स्वरूप है, 14 बार आरती को घुमाया जाता है। 14 बार कैसे कैसे, एक बार भगवान श्री नारायण के जो चरण है ना, पहले चरणों की आरती करनी चाहिए, एक बार चरणों में, चरण से ऊपर जो घुटना है यहां से लेके कटी पर्यंत यानी कमर, दो बार इस अंग में, एक बार चरणों में, दो बार कटी प्रदेश में, तीन ऊपर हमने हाथ उठाया, चार बार भगवान का जो मुखार बिंद है चार बार उस पर आरती को घुमाना चाहिए, एक बार कटी देश में, दो बार, तीन, चार बार उनके मुख पर, कितना हुआ, सात। अब सात बार उनका जो पूरा अंग है यानी सर्वांग, सात बार फिर चरण से लेकर के पूरा ऐसे एकदम मुकुट के तक चला जाए हाथ हमारा सर्वांग, सात बार वहां, सात बार पहले हुआ, 14 बार आरती को घुमाए, शंख में जल भर के पुरुषोत्तम महीने में जो भगवान नारायण के ऊपर सात बार उतार के उसका छीटा अपने मस्तक पर लगाता है, अपने हृदय पर लगाता है। मस्तक पे लगाने वाले को ब्रह्म ज्ञान होता है, हृदय पर लगाने वाले को आत्म ज्ञान होता है, नेत्रों पर लगाने पर उसके नेत्र ज्योतिवान होते हैं, और अंतर की जो चक्षु है भगवान को देखने वाले उस शंख के जल से वो खुल जाते हैं। शंख की बड़ी महिमा है, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म जो आयुध है इनकी बड़ी महिमा है। पूजा करके भगवान से प्रार्थना करें, पुरुषोत्तम महीने में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, हे गोविंद पुरुषोत्तम मैं भक्ति से मंत्र से क्रिया उससे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देवो, हे नारायण क्रिया मंत्र भक्ति कुछ भी मेरे पास नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूं,
परिपूर्णम तदस्तु में आप परिपूर्ण हो। भगवान का स्वरूप क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण प्रेमियों याद रखना, केवल और केवल एक परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। एक केवल परमात्मा जिसमें कोई कमी नहीं, बाकी उसके अतिरिक्त जो चराचर सृष्टि है सबके अंदर एक ना एक अपूर्ण भरा पड़ा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहे पर हरिवार बिका। ध्यान से समझना, सृष्टि में जितने जड़ जीव हैं, जितने चेतन जीव हैं, गुण अवगुण सबके अंदर भरा हुआ है। सारे विश्व में पर हमको संत बनना है, हमको हंस बनना है। हंस जैसे दूध पानी मिला के रख दो उसको अलग अलग कर देगा। आज हमारे धरातल सारे विश्व में इस बात का चैलेंज है, खुला चैलेंज हमारा। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे भगवान, वाह मेरे कृपालु, तेरी माया का जवाब नहीं, क्या तूने बनाया है? हमारी गौ माता भैंस, गौ माता और भैंस, जीव तो भैंस भी है। अब देखिए उस मायापति की माया, भैंस क्या खाती है? भूसा। आप पेट भर के भूसा खिलाइए, भूसा खाने वाली भैंस मेरे गोविंद ने क्या मशीन उसके अंदर लगाई है, शाम को 8 किलो दूध देती है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक इस बात का चैलेंज है, 5 किलो भूसा में से ज्यादा नहीं 500 ग्राम दूध निकाल के दिखा दे। चारे में से, भूसा में से कोई जरा दूध तो निकाल के दिखा दे। कोई कह रहा कहां है भगवान, बोले यहां है भगवान, ये जवाब है। तो भूसा में से, हरे चारे में से दूध निकालता है, और उस दूध में से माखन और उस माखन में से घी निकलता है। इतनी चिकनाई, इतना व्हाइटपन, भैंस ब्लैक है, दूध व्हाइट दे रही। और उस दूध में से कितना माखन, कितना घी निकल रहा है भाई, जरा सोचिए। कोई उसमें से दूध नहीं बना सकता, अगर बना सकता है तो वो है हमारा गोविंद, हमारा भगवान। इतना बड़ा चमत्कारी है वो। दूध में उंगली घुमाओ चिकनी नहीं होगी, घी नहीं निकलेगा। दूध का दही जमाओ, थोड़ा सा परिश्रम करो, जीवन में सत्संग करो, सत्संग रूपी दूध इकट्ठा करो, घर से खूब चर्पी के आओ, है ना, चारा भूसा हरा चारा और सलाद ले और ये ले और बोले खूब चर्पी के आ जाओ, और चर्पी के जब ये फल हो जाए फिर बैठ जाओ, और बैठ के फिर सत्संग का दूध इकट्ठा करो। सत्संग सुन के, नाम सुन के, दूध इकट्ठा करके उसका दही जमाओ। दही जमा के अपनी बुद्धि, अपने मन के अंदर, अपने विवेक से उसमें रई घुमाओ, और रई घुमा के उसमें से भगवान के नामामृत रूपी, दर्शन रूपी घी मक्खन निकालो। वो भगवान है, भगवान को पाना है, पाने का प्रयास करना पड़ता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। केवल और केवल बुद्धि की जरूरत है,
थोड़ा विवेक, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा विश्वास, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी दृढ़ता, थोड़ी लालसा, थोड़ी लगन, एक भी इसमें से आ जाए वो तो तैयार बैठा है, पर हमारी आंखें देख नहीं सकती। आखरिया छीनी पड़ी पंथ निहार निहार और जीवड़िया छाले पड़े कृष्ण पुकार पुकार। जीवा में कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम करते करते छाले पड़ गए, लेकिन विश्वास तो था ही नहीं। अब आए तो आए कहां से? लगन, विश्वास, धारणा, जीवन में साधना आवश्यक है।